नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन और स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट लैन केबल के बारे में। लैन केबल ओके, तो लैन केबल हमें कौन सा लगाना चाहिए और मार्केट में कितने टाइप के लैन केबल अवेलेबल हैं। लैन केबल केट 5 मुझे कौन सा लगाना चाहिए, केट 5, केट 6, केट 5E। बहुत सारा कन्फ्यूजन है, कितने टाइप के केबल आते हैं और कौन सा केबल कहाँ पर यूज़ होने वाला है हमें कुछ पता ही नहीं है। हम तो सिर्फ द मार्केट में जाते हैं और कैट 6 केबल उठा के ले आते हैं। सो चलिए इसी बारे में आज बात करेंगे। आज के इस पूरे वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ये कैट 5, कैट 6, कैट 7 केबल्स क्या होते हैं, ये जो केबल्स हैं वो कहाँ पर यूज़ होते हैं, इसके अंदर कितना डेटा हमें ट्रांसफ़र हो सकता है और कौन सी लोकेशन पे किस टाइप के केबल अच्छे से वर्कआउट करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हर रविवार रात को 9 बजे मैं आता हूँ इंस्टाग्राम पर लाइव करने के लिए, जहाँ पर मैं आपसे बात करता हूँ 1-to-1 और बहुत सारी वहाँ पर बातें होती हैं और बहुत सारे लोग अपने डाउट्स लेके भी आते हैं और हम उन डाउट के ऊपर कुछ चिंतन मनन और सॉल्यूशन करते हैं। सो अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है भरत_KJN। तो मिलते हैं हर रविवार रात को 9 बजे इंस्टाग्राम पर। हम बात करते हैं लैन केबल के बारे में। तो लैन केबल कितने टाइप के आते हैं, तो लैन केबल अगर मैं शुरू करूं जो एब्सोल्यूट हो गया है तो कैट 3 आता था जो अब नहीं आता है। सो अभी क्या क्या अवेलेबल है, अभी हमारे पास में अवेलेबल है केट 5, केट 5E। आपने कई बार बॉक्स के ऊपर देखा होगा केट 5E लिखा हुआ होता है। दूसरा आता है केट 6, केट 6A और केट 7। और अभी जो लेटेस्ट अभी जो चल रहा है, जो शायद मैंने भी नहीं देखा है, और वो है केट 8। तो ये केट क्या है, केट बिलोंग करता है कैटेगरी से लिया है, केट का फुल फॉर्म जो है वो कैटेगरी है और ये 5, 6, 7, 8 जो चल रहा है वो है इस केबल के वर्जन। तो क्या डिफरेंस है, सबसे पहले हम बात करते हैं केट 5 के बारे में। केट 5 जो केबल होता है, सबसे पहली बात उसके अंदर जो पेयर होते हैं वो सिर्फ 2 पेयर होते हैं और ये जो केबल है इसके अंदर 100 Mbps की डेटा, मेगा बिट पर सेकेंड जो डेटा होते हैं, मेगा बिट अलग होता है, मेगा बाइट अलग होता है, उसके बारे में फिर कभी हम वीडियो बनाएंगे। तो इसके अंदर हम 100 Mbps के जो डेटा है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसकी जो लेइंग है, हम केट 5 को 100 मीटर तक लेइंग कर सकते हैं, मतलब वहाँ पर कोई डेटा इंटरप्ट नहीं होगा। और इसके अंदर हम 100 MHz की फ्रीक्वेंसी इसके अंदर मिल जाती है, मतलब जो बैंडविड्थ होगी वो मैक्सिमम होगी 100 MHz। जो केट 5 केबल है वो मोस्ट ऑफली एब्सोल्यूट हो गए मार्केट से, लेकिन फिर भी जो ISP होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनीज हैं, वो इसका यूज़ करती है। क्योंकि उनको क्या करना होता है, जहाँ पर उनका स्विच लगा है, जंक्शन लगा है टेरेस पर, वहाँ से एक केबल नीचे हमें इंटरनेट का देते हैं। और वो इंटरनेट कितना होता है, किसी की 10 Mbps की स्पीड होती है, किसी की 20 Mbps होती है, किसी की 50 Mbps होती है, राइट। तो वहाँ पर ये केबल ईजिली वर्क कर जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर इस केबल को यूज़ किया जाता है और इसमें उनका 2 पेयर होता है, मतलब हम कौन सा यूज़ करते हैं, 1, 2, 3 और 6, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो इसमें 4 पेयर यूज़ होते हैं, तो उनका काम बहुत इजी हो जाता है, सस्ता होता है, तो इनको काफ़ी बेनिफिट ये केबल यूज़ करने से होता है। अब हम बात करते हैं केट 5E के बारे में। तो केट 5E में ऐसा क्या नया लेके आया है, तो केट 5E के अंदर सबसे पहली जो डिफरेंस है वो है यहाँ पर 4 पेयर केबल हो जाता है, उसमें 2 पेयर था, यहाँ पर 4 पेयर हो जाता है। दूसरी चीज, इसके अंदर जो डेटा ट्रैवल करवा सकते हैं वो होता है 1 Gbps। जी हाँ, 1000 Mbps के डेटा इसके ऊपर हम ट्रैवल करवा सकते हैं, मतलब इस केबल के अंदर जो ट्रैफिक जा रहा है डेटा का, वो ट्रैफिक हम लोग 1000 Mbps तक का दे सकते हैं, चाहे आए चाहे जाए, 1000 Mbps के डेटा हम इसके ऊपर इजीली ट्रैवल करवा सकते हैं। इसकी भी जो लेंथ है वो होती है 100 मीटर मैक्सिमम, इसको लेंथ किया जा सकता है, प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर मैं मेगाहर्ट्ज़ की बात करूँ, जो बैंडविड्थ ये कैरी करता है, वो भी 100 MHz की बैंडविड्थ मैक्सिमम इसके अंदर आपको मिल जाएगी। ये जो केट 5E केबल है वो कई लोग काम में ले सकते हैं और ये ट्विस्टेड पेयर होते हैं, तो ट्विस्टेड पेयर होने की वजह से इसके अंदर आपको 1 GB का जो डेटा मिल रहा है वो इसी वजह से मिल रहा है। इसमें क्या अलग है, क्योंकि जो आपको केट 5 है और केट 5E के अंदर जो डिफरेंस है वो है, इसके अंदर जो आपने देखा होगा कि जो पेयर आते हैं वो ट्विस्टेड होते हैं, वो जो ट्विस्टेड पेयर होते हैं उसकी वजह से इंटरफेरेंस जो होता है, यानी कि जो क्रॉस टॉक होता है, वो काफ़ी कम हो जाता है। केट 5 के अंदर थोड़ा लंबा होगा, बहुत कम ट्विस्ट किया होगा,
केट 5E के अंदर थोड़ा ज़्यादा ट्विस्ट किया रहता है, जिससे हमें स्पीड अच्छी मिलती है। तो ये जो केबल का जो टाइप है वो कई जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें कैट 6 ही यूज़ करना है। कैट 5 में आप देख रहे हैं 1GB तक के आप डेटा आप आराम से ले सकते हैं उसके अंदर, 100 मेगाहर्ट्ज़ की आपको बैंडविड्थ भी मिल जाती है। तो ये कई जगह पर यूज़ हो सकता है, आप अपना पैसा बचा सकते हो, बहुत सारे कैमरेज इसके ऊपर भी चला सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है हमें कैट 6 में ही जाना है, आप 100 मीटर तक अगर आपके वहाँ पर 1GB की जो डेटा स्पीड है आप कैलकुलेट कर लो कि आप कितने कैमरे और कितने क्या फ्रीक्वेंसी उसके अंदर कितने डेटा जाने वाले हैं, तो आप कैट 5E को अच्छे से यूज़ कर सकते हो। होम पर्पज़ में वन ऑफ द बेस्ट केबल है केट 5E, यूज़ इजीली कर सकते हो। आपको छोटा सा नेटवर्क बनाना है, आपको कंप्यूटर लगाना है, प्रिंटर लगाना है, 3-4 कंप्यूटर लगे हुए हैं, इजीली वहां पर आपका काम हो जाएगा, कोई इश्यू आपको आएगा नहीं। अगले केबल के हम बारे में बात करते हैं जो मोस्ट पॉपुलर है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, वो है कैट 6। इसके अंदर भी 4 पेयर केबल मिल जाते हैं। अभी जो कैट 6 केबल है उसके अंदर जो डेटा की जो स्पीड है वो यहाँ पर हो जाती है 10 GBPS। जी हाँ, ये जो डेटा है वो हम 10 GBPS की एक केबल के अंदर डेटा ट्रैवल करवा सकते हैं। उसके साथ में यहाँ पर जो जितना हम केबल लिंक कर सकते हैं वो है 55 मीटर। जी हाँ, 55 मीटर से अगर अप जाओगे तो प्रॉब्लम आएगी आपको, राइट? तो कैट 6 के अंदर हम लोग 55 मीटर तक इसको लिंक कर सकते हैं। इसके अंदर 250 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ मैक्सिमम ये सपोर्ट करता है। एक चीज और एक्स्ट्रा हमें मिलती है कैट 6 केबल के अंदर, आपने बीच में देखा होगा एक प्लास्टिक का सेपरेटर मिल जाता है। तो अब इससे क्या बेनिफिट होता है कि एक तो हमारी स्पीड 10 GBPS हो गई, वो क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो ट्विस्टेड जो हमने बात की थी कैट 5E के अंदर, यहाँ पर ट्विस्टेड और ज़्यादा अच्छे होते हैं जिसकी वजह से स्पीड बढ़ती है। साथ में जो प्लास्टिक का जो सेपरेटर दिया है उसकी वजह से जो इंटरफेरेंस होता है वो कम हो जाता है, क्रॉसटॉक होता है वो कम हो जाता है। तो ये जो कैट 6 केबल है वो पॉपुलर है काफ़ी। लेकिन एक चीज़ इसमें ऑलवेज याद रखिएगा, इसकी जो लेंथ है वो लेंथ हमें 55 मीटर रखनी है। इसके अंदर जो एक प्रीमियम क्वालिटी के जो केबल आते हैं कैट 6 के अंदर, उसमें क्या होता है कि इसके ऊपर एक शील्ड लगी होती है, फॉइल आपने देखी होगी कई बार, आप जब केबल को ओपन करते हो या फिर जब भी केबल आप परचेस करते हो तब आप उसके अंदर देखते हो कि एक फॉइल लगी हुई है। तो फॉइल भी क्या करती है, जो आउट से इंटरफेरेंस आता है, जब भी कभी आप नेटवर्क के अंदर काम कर रहे होते हो तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे मैश कनेक्शन है वहाँ पर, बहुत सारे केबल्स हैं, तो उन केबल की वजह से भी डेटा के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, इंटरफेरेंस होता है। इस वजह से शील्ड लगा दी जाए तो उसको काफ़ी कम किया जा सकता है। तो जो प्रीमियम लेवल के जो केबल होते हैं उसके ऊपर शील्डेड होते हैं, ठीक है? तो जो UTP और STP जो वर्ड यूज होता है वो इन्हीं के लिए होता है। जो UTP केबल होते हैं उसके अंदर आपके पास में शील्ड नहीं मिलेगा, मतलब अनशील्डेड केबल हो गए, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, दैट इज द UTP, और STP शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो जहां पर आपको शील्ड मिलेगा वो STP केबल हो गया, जहां पर शील्ड नहीं होगी वहां पर UTP केबल हो गया। अब बात करते हैं हम कैट 6A के बारे में। जी हाँ, कैट 6A केबल है वो ज़्यादातर मैक्सिमम हम लोग यूज़ करते हैं हम IP कैमराज के अंदर। और इसके अंदर क्या है कि स्पीड जो है वो सेम ही है, 10 GBPS की आपको स्पीड मिल जाएगी, यानी कि एक केबल के ऊपर आप इतना ट्रैफिक डाल सकते हो। उसके साथ साथ में यहाँ पर जो आपको एक्स्ट्रा मिलता है वो है इसकी लेंथ, यहाँ पर लेंथ हो जाएगी आपकी 100 मीटर की, और इसके अंदर भी प्लास्टिक का जो सेपरेटर है वो आपको मिल जाएगा। इसके अंदर भी आपके पास में UTP और STP के भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अगर प्रीमियम केबल है तो वहाँ पर आप STP यूज़ कर सकते हो, अगर आप रेगुलर केबल यूज़ करना चाहते हो तो आप UTP यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया कैट 6A। अब जब भी आप कभी कंसीलिंग की बात करते हैं, जैसे कि आप कई बार घर के अंदर ऑफिस के अंदर जो केबल है वो आप दीवार के अंदर लगवाते हैं, यानी कि उसको कंसील्ड कर रहे हैं, तो कंसीलिंग के टाइम पे ऑलवेज प्रिफरेबल कि आपको कैट 6 या फिर कैट 6A केबल यूज करना चाहिए, कैट 5E नहीं करना चाहिए, वो रिकमेंडेड नहीं है। कैट 6A के अंदर एक चीज हमें और मिलती है वो है इसकी बैंडविड्थ। यहां पर बैंडविड्थ सीधी आपकी हो जाती है 500 MHz की। कैट 6 के अंदर 250 था, कैट 6A के अंदर आपको 500 MHz की फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपके लिए केबल हो गया। अब हम बात करते हैं कैट 7 केबल के बारे में। तो कैट 7 जो केबल है वो प्रीमियम केबल होता है, बहुत कम लोग इसका यूज़ करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि
बहुत ज्यादा डेटाज हैं आपके पास में और आपको एकदम अपर साइड का केबल यूज करना है, और या फिर आपके वहां पर जो नेटवर्क आपने बनाया है वो काफी मैशी है और इंटरफेरेंस काफी ज्यादा है, तो आप कैट 7 में जा सकते हैं। कैट 7 में हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पर स्पीड जो है वो तो 10 Gbps की ही होगी, उसके साथ में हमें यहाँ पर 100 मीटर की लेंथ मिल जाती है, और उसके साथ में हमें जो बैंडविड्थ मिलती है वो 600 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ यहाँ पर मिलती है। और ये सब ज़्यादा होने के पीछे का रीज़न यहाँ पर ये है कि इस केबल के अंदर जो दो पेयर होते हैं उसके ऊपर भी शील्ड किया होता है, यानी कि जो हमारे पास में चार पेयर हैं उसमें दो दो के ऊपर शील्ड किया है, और ये चारों को मिलाकर उसके ऊपर भी शील्ड किया होता है। तो ये जो केबल है उसकी कॉस्ट भी उसी वजह से थोड़ी ज़्यादा होती है, थोड़ा हैवी केबल होता है, और आप जहाँ पर इस तरह का बहुत मैशी नेटवर्क है या फिर आपको बहुत ज़्यादा डेटा ट्रैवलिंग करवाने हैं तो इसमें आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताऊँ कि एक केट 8 और केबल आ गया है मार्केट में है, जिसके अंदर आप 40 Gbps के डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो अप टू 30 मीटर। 30 मीटर अगर आप केबल लेइंग करोगे तो आप 40 GB के जो डेटा है वो इजीली एक केबल के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो मैं Gbps और Mbps की जो बात कर रहा हूँ उसके बारे में। तो जब भी आप एक नॉर्मल स्विच होता है और एक गीगा स्विच होता है, इसके बारे में आपने सुना है बहुत अच्छे से, अगर आप CCTV में काम कर रहे हो तो आपको पता है। तो जो Mbps की जो स्विच है उसके अंदर आप कितने डेटा ट्रांसफर कर पाओगे, 100 Mbps। तो वहां पर आपका कैट 5E जो केबल है वो भी सपोर्ट करेगा, कैट 5 केबल भी सपोर्ट करेगा, कैट 6 भी सपोर्ट करेगा, कैट 6A भी सपोर्ट करेगा और कैट 7 भी सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आपके पास में डेटा ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको वहां पर जो स्विच है वो चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप केट 6A का पूरा इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपके पास में डेटा ज़्यादा है, तो आपको गीगा स्विच लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर का जो पोर्ट है वो गीगा पोर्ट है। ओके, तो जब आपके पास में 1 GB या फिर 10 GB के अगर डेटा आएंगे तो वो जो पोर्ट है वो भी उसको सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए आज की तारीख में जितने भी कंप्यूटर्स आते हैं, लैपटॉप आते हैं, तो उसके अंदर भी एक गीगाबिट पोर्ट लेन का जो पोर्ट है वो दिया होता है। अगर वो पोर्ट नहीं है तो आपको अलग से मार्केट में गीगाबिट का नेटवर्क का पोर्ट आता है, नेटवर्क एडेप्टर आता है, उसको आपको यूज़ करना पड़ेगा। सो मुझे लगता है कि ये जो आज का वीडियो है वो आपको काफ़ी आपको नॉलेज दिया होगा कि कौन सा केबल आपको कब और कहाँ पर यूज़ करना चाहिए, कितने डिस्टेंस के अंदर यूज़ करना चाहिए। सो आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी ये मैं मानता हूँ। और अगर आपको आज का मेरा जो वीडियो है वो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों के साथ में शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक, नई टेक्नोलॉजी, नए गैजेट्स को लेकर। तब तक आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।